ये मोदी सरकार की कायराना हरकत है। मोदी सरकार जब जब डरती है, जब जब भयभीत होती है, तो वो इस प्रकार का कायराना व्यवहार करती है। आप बताइए, क्या इस देश में एक अबोध बालिका से बलात्कार हो जाए वो आवाज उठाना पाप है? क्या इस देश में वाल्मीकि समाज की दलित बेटी से अनाचार हो जाए वो आवाज उठाना पाप है? क्या इस देश में वाल्मीकि समाज की बेटी के माँ बाप से मिलना, वो भी उनकी अनुमति के साथ, उनकी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करना पाप है? मोदी जी, अगर ये पाप है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। एफआईआर दर्ज करिए, गिरफ्तार करिए, समय श्री राहुल गांधी जी के हम सबको गिरफ्तार करिए। अब आप आईएनसी टीवी का आपने अकाउंट बंद कर दिया, ब्लॉक करवा दिया, आप कितना डराएंगे ट्विटर को, पुलिस की कितनी धौंस दिखाएंगे? परंतु याद रखिए, ये केवल आजादी, बोलने की आजादी का प्रश्न नहीं, ये एक गरीब वाल्मीकि दलित समाज की बेटी की न्याय की हुंकार उठाने का प्रश्न है, ये उनकी बात को देश के सामने रखने का प्रश्न है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, हमारी आवाज ऐसे ही उठती रहेगी। मोदी सरकार ट्विटर को धमकाकर हमारी आवाज को कायराना तरीके से नहीं दबा सकती।